hello friends and my students today i'm going to explain past perfect continuous tense past perfect continuous tense and uh, what is the identification of past perfect continuous tense in these sentences of past perfect continuous tense and with say rahatha say rahiti say rahete etc words and its helping verb is had been and uh, verb which verb is used in past perfect continuous tense fourth form of verb is used in past perfect continuous tense and what is fourth form of verb ing form ing form is called the fourth form of verb and this fourth form of verb is also called present participle so present participle is used in this tense and now i am going to explain some uses and then I will tell you how to make the sentences of past perfect continuous tense. So, what is the first use of past perfect continuous tense? The first use is the past perfect continuous tense expresses an action that had been going on for some time in the past. Past में जो एक्शन कुछ समय तक चलता रहा था, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए past perfect continuous tense का यूज किया जाता है। इन ऑर्डर टू यूज दिस टेंस वी यूज हेडबिन विद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं इसमें और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेडबिन का यूज होता है तो आपने पहला जो यूज है इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस्टेंस का जो फर्स्ट यूज है वो समझा तो फर्स्ट यूज क्या कहता है दोबारा से समझिए फर्स्ट यूज ये कहता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में किसी समय से चल रहा था यानी पास्ट में जो एक्शन चल रहा था कंटिन्यू हो रहा था किसी पर्टिकुलर टाइम से कोई एक्शन पास्ट में हो रहा था उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग बच्चे सुबह से खेल रहे थे तो यहां पे पर्टिकुलर टाइम है मॉर्निंग कि मॉर्निंग से खेलने का काम हो रहा था और वो बच्चों के द्वारा किया जा रहा था तो चिल्ड्रन हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग दिस इज द एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल इट हैड बिन ड्रिजलिंग सिंस लास्ट नाइट सिंस लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात से ड्रिजलिंग हो रही थी यानी बूंदा बांदी हो रही थी जैसे कहते एक हल्की बारिश एक सुहावनी बारिश हो रही थी तो इट हैड बिन ड्रिजलिंग लास्ट नाइट लास्ट नाइट से ड्रिजलिंग हो रही थी थर्ड सेंटेंस है एग्जाम्पल के फॉर्म में कि हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर टू आवर्स हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर टू आवर्स क्या आप दो घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे तो इस टाइप से हमने तीनों टाइप के सेंटेंसेस देख लिया ये अफॉर्मेटिव था हैड बीन प्लेइंग आ गया अफॉर्मेटिव इसमें हैड नॉट बीन ड्रिजलिंग नेगेटिव और हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन आ गया तो ये इंट्रोगेटिव तो तीनों के एग्जाम्पल देख लिया आपने आपने ये देख लिया कि जब नेगेटिव बनाना हो तो हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज होता है और जब इसको इंट्रोगेटिव यानी क्या से स्टार्ट होने वाले जब सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेड को रख देते हैं और सब्जेक्ट के बाद बीन आता है इस तरीके से ये पैटर्न है अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो हेड आएगा ही फिर सब्जेक्ट आएगा फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद बीन आएगा जैसे हैड यू नॉट बीन इस तरीके से आप कह सकते हो कि यू नॉट बीन वेटिंग फॉर फॉर मी आवर्स क्या आप दो घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे इस तरीके से यह सेंटेंस हो जाएगा तो आपने फर्स्ट यूज देखा फर्स्ट यूज किस लिए कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम से कोई एक्शन किया जा रहा था या हो रहा था इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है नेक्स्ट यूज क्या है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर समाइम बिफोर अनोदर एक्शन टुक प्लेस इन दास्ट बोला गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम से हो रहा था लेकिन बिफोर अनोदर एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले वो हो रहा था इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तब वो बात आप जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो समझ में आएगी जैसे देखिए जब मैं उनके साथ शामिल हुआ या जब मैं भी उस खेल में शामिल हुआ तो वो दो घंटे से ठीक है वे दो घंटे से चेस खेल रहे थे इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जब मैं उनके साथ शामिल हुआ तो वे दो घंटे से चेस खेल रहे थे कहने का मतलब है दो घंटे हो गए थे उनको चेस खेलते खेलते उसके बाद में आया और उनके साथ उस गेम में शामिल हो गया इस तरीके की बात यह है सेकेंड एग्जाम्पल द चाइनीज फॉर मैनी ईयर्स बिफोर दे अटैक्ट इंडिया इंडिया पर आक्रमण करने से पहले चाइनीज यानी चाइना वाले कई वर्षों से तैयारी युद्ध की तैयारी कर रहे थे ये सेंटेंस हो गया और थर्ड है वी हैड बीन वी हैड बिन स्टैंडिंग इन queue फॉर हाफ एन आवर बिफोर द बस arrived. बस के आने से पहले हम आधे घंटे से लाइन में खड़े हुए थे या लाइन में लगे हुए थे तो आपने ये दो इम्पॉर्टेंट यूजेस देखे ये यूज़ेस अक्सर कोई आपको आमतौर पर बताता नहीं है बस आपको सेंटेंस बनाना बता दिया जाता है इस बट मैं आपको डीप नॉलेज देता हूं आपको हर चीज उसके यूजेस कैसे होते हैं और किस टाइप के सेंटेंसेस किस टेंस में बनाए जाते हैं इस तरीके का ज्ञान भी बहुत जरूरी है क्योंकि किसी चीज को जब हम सीख रहे हैं तो डीपली उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए ये चीजें मैंने बता दी अगर आप पैटर्न भूल जाते हो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं तो उसका एक पैटर्न बता दिया है मैंने कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जिसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हेडबिन लगाएंगे फिर जो वर्ब यूज हो रही है आईएनजी फॉर्म में वो वर्ब आ जाएगी जैसे प्लेइंग हो गया गोइंग हो गया वर्किंग हो गया इस तरीके से फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज कीजिए फिर कोई काम जब हो रहा है तो कब से हो रहा है वो टाइम एक गिवन होता है जैसे सुबह से तो सिंस मॉर्निंग तो यहाँ पे सिंस या फॉर आएगा और उसके बाद वो टाइम आ जाएगा जैसे मॉर्निंग हो गया या दो घंटे हो गए इस तरीके से और फिर अदर्स यानी एक्स्ट्रा कुछ और है सेंटेंस में तो वो बाद में आप जोड़ देंगे नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया हैड के बाद नॉट और बीन से पहले नॉट यानी हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस है जैसे कि क्यों वह दो घंटे से क्यों रो रहा था तो वाई डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा और बाकी पैटर्न वही रहेगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न था यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड फिर आ जाएगा हेड फिर आ जाएगा सब्जेक्ट इस तरीके से फिर बीन फिर आगे वो सेम पैटर्न आ जाएगा अब अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो क्या करोगे आप सब्जेक्ट पहले सबसे पहले तो हेड हेड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज करना है फिर बीन आएगा फिर वॉब आ जाएगी इस तरीके से यह पैटर्नस हो जाएंगे तो इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको बना बना के देखने हैं प्रैक्टिस करनी है और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को देख कर कमेंट कीजिए जब आप कमेंट करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो इश्यूज हैं जो परेशानी है जिनके कारण आपको टेंथ सीखने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं जब वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा फिर उनको देख के आप और ज़्यादा गहराई से सीख सकते हैं तो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो